हरिओम नमो नमः सुप्रभात। हम तो करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। तो देखिए सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और खाना भी बन चुका है। तो मम्मी गई है हल्द्वानी और मैंने अपने लिए खाना बना दिया है और मेरे साथ मेरी दगड़ो आ गई। देखो ये फिर तो पहुंच गई है और मौसम दिखाती हूँ सबसे पहले आपको और उसके बाद धूप में बैठते हैं थोड़ी देर, खाना थोड़ी देर में खाएंगे। तो चलिए चलते हैं और काफ़ी ठंडा हो रहा है तो देख सकते हैं आप दो दो कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और धूप में बैठते हैं थोड़ी देर, धूप का लेते हैं मज़ा और उसके बाद फिर करेंगे हम खाने पीने का। और ये काम शुरू हो गया इसका यहाँ। ये देखो इसका ना यहाँ आते ही काम शुरू हो जाता है। क्या कर रही है, क्या है, क्या है मम्मी गंदी बात कर रही है। उजड़ू, तू उजड़ू है ना, शिवानी है तू, उजड़ू है तू, आ जाओ चलो धूप में बैठेंगे हम, चलो चलो। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे, अब थोड़ी देर में मौसम दिखाते हैं आपको सबसे पहले। तो बढ़िया से धूप आ चुकी है और आजकल बारातों के सीजन हो गए शुरू, तो सब जगह से ढूप बैंड हैंड की टेप की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर भी हो रही है एक शादी है, बाकी एक नीचे है। तो हम सुबह सुबह बैठे हैं यहाँ पर, देखो धूप सेक रहे हैं और ये कृतिका पहुँच गई। हाय कर, हाय कर, ब्योली है, ब्योली है हमारी, ब्योली आ गई है, ब्योली हमारी। हाय कर सबको, हाय कर, यहाँ देख, यहाँ को देखे बांदड़, कहाँ है बांदड़, हट हट। तो बंदर आ गए हैं यहाँ पर और देखिए बढ़िया सू हिमालय के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर से। देखिए ये धूप आ गई है बढ़िया सी और ये हमारी ब्योली तो पहुँच जाती है सुबह सुबह रे। ये देखो ये आ गई है। तो कहाँ आई, किसके घर आई है तू, किसके घर आई है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ बता, किसको देख रही, कौन है, कौन है वहाँ, वहाँ कौन है, पापा, पापा नहीं है वहाँ, किशोरदा है, किशोरदा, किशोरदा कौन है पापा। भगवान को जय हो कर, जय हो कर भगवान को। तो कहाँ, वहाँ गाना बज रहा और यहाँ ये देखो नाच शुरू हो गया। कर नाच कर, ये वहाँ गाना बज रहा है और इसका ये डांस शुरू हो गया। के हर गे छी मेरी कने की झुमकी रे, कर झुमकी रे, झुमकी रे। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर धूप भी सेक ली है और अब मैं जा रही हूँ खेत में। तो आजकल हमारे वहाँ हो रहा है पानी लगाने का काम खेतों में, तो एक जगह हमने अभी गेहूं नहीं बो रखे हैं, तो वहाँ अभी पहले कुलाएंगे बना रखाव में और उसके बाद फिर हम लोग गेहूँ बोएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत टाइट हो गया था क्योंकि सूख गए थे खेत, तो वहाँ हल नहीं आ पाया तो ट्रैक्टर नहीं चला खेत में, तो इसकी वजह से हमने बोए नहीं है गेहूँ। तो फिलहाल वहाँ आज पानी का नंबर है तो देखते हैं कहाँ तक हो रहा है पानी। तो चाची तो गई है, तो चाची मेरे से बोल रही थी कि तू भी आना थोड़ी देर में, तो अभी खाना खा के मेरा काम हो चुका है तो अब मैं भी जाती हूँ, देख के आती हूँ कि वहाँ पानी कहाँ तक पहुँचा है। वैसे हमारे खेत के ऊपर भी खेत हैं अभी फिलहाल, तो देखते हैं हमारा नंबर आया नहीं आया है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह के हो रहे हैं वहाँ खेत और किस तरह से वहाँ पानी लग रहा है। तो अभी मैंने गाय बच्चे अभी बाहर ही बांधी हैं आजकल, तो गाय बच्चों को देके जाती हूँ घास और उनका दिन भर का थोड़ा जब तक आऊँगी तब तक का कोटा कर जाती हूँ पूरा, और उसके बाद फिर काफ़ी क्या पता वहाँ ज़्यादा देर लग जाए। तो चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ वहाँ का नज़ारा। तो पारो और लाली को दे दी मैंने घास और बाकी मैंने मोकी डलिया भी भर दिया और अब मैं जाऊँगी सीधे खेत में मोकी डलिया लेके, और ये धूप अपने आप सेकती हैं तब तक, और आके फिर देखूँगी इनको, तो थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। तो चलती हूँ खेत में। तो रोड के रास्ते जा रही हूँ मैं भनारखाव को, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मकान बन चुका है, ये है सिलखोली के और जिनखोली के बीच में, और यहाँ काफ़ी मकाने बन रहे हैं। तो मैं फटाफट से जाती हूँ, मेरे सर में है मोह की डलिया, तो दिखाऊंगी अब खेत का नज़ारा आपको। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ खेत में, देखिए ये है हमारे भनारखाव का खेत और उधर नौशहरी था, वहाँ से दिखाया मैंने आपको, वहाँ है नौशहरी का खेत हमारा ऊपर, और इधर साइड बंड गाँव और नीचे खेत है हमारे सारे, हमारी ज़मीन है यहाँ काफ़ी ज़्यादा। देखिए कुछ कुछ खेत हमने किए हैं, बाकी सब बंजर पड़ चुके हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पानी के लिए आए हैं हम आज। तो यहाँ पर अभी इतना है पानी आ रहा है, इतना ही है। तो ये पानी है जो पाइपलाइन है हमारे यहाँ को नदी से, उसके द्वारा ये पानी आ रहा है। तो ये खेतों में हमने अभी गेहूँ नहीं बो रखे थे क्योंकि यहाँ हमारा सूख गया था खेत, तो इसकी वजह से गेहूँ नहीं बोए हैं, बाकी ऊपर को तो गेहूँ जम गए हैं लोगों के, देख सकते हैं आप ये खेत में दिख रहे हैं हल्के हल्के गेहूँ, ये खेत में गेहूँ है, ये तो जम गए हैं, ये पहले बो दिए हैं।
क्योंकि इन लोगों के खेतों में खेत गीले थे, सूखे नहीं थे, तो इसलिए इनके खेतों में गेहूं बो दिए हैं और हमारे खेत सूख गए, तो ऐसे ही रह गए। अभी चाची आई है तो चाची यहाँ अभी बॉल साफ कर रही है खेत में पानी जाने के लिए, और बाकी मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं कब तक आता है पानी। तो यह है देखिए, पानी इतना हो रहा है ऊपर ऊपर ही, नीचे साइड को भी सूखा ही है। तो यहाँ लाइट चली गई है और हम लोग यहाँ ऐसे ही देखे रह गए। अब पता नहीं कब आएगी, चाव में बैठे हैं हम, ये वहाँ चाची बैठी है, यहाँ पर मैं, और बोझी डब्बों से अपने खेत को खुला रही है। तो देखिए किनारे से ला रही है वो पानी, और यहाँ गेहूं बो रखे हैं उनने, गेहूं उनके गेहूं जम गए हैं, उनने बो दिए हैं, हमने बोए नहीं हैं। तो अपने गेहूं जो बो जमने हैं उनको खुला रही है कि ज़्यादा ज़्यादा आएंगे घर के। ये देखो अभी देखना वहाँ से आ रही हूँ, जल्दी जमेंगे, ज़्यादा जमेंगे। वो डब्बे से यहाँ सिंचाई कर रही है पानी की। ये देखो इस तरह से खुलाया जा रहा है खेत यहाँ। जब पानी आया तब मैं लाइट आ गई। ये देखिए इस तरह से खुला रही है बूजी अपना खेत। तो अब देखते हैं, लाइट तो चली गई थी, अब लाइट वाला पानी है, मोटर चलती है लाइट से तभी पानी आता है। अब देखते हैं कितनी देर में आता है, और पानी बिल्कुल बंद हो चुका है। तो अभी हमारा इतना बड़ा खेत है कुलाना, यहाँ से वहाँ तक कोने तक, वो जहाँ केले के पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक कुलाना है हमने। पता तो है वो इस कोने से है, पेड़ काकड़ी पेड़ के नीचे बैठे हैं हम अभी, ये काकड़ी गैर में। अब देखते हैं कब तक पानी आता है, कब तक होता है यहाँ पानी। ये देखो बोझी का खेत, बोझी इस तरह से कुला रही है, और यहाँ ये कुलाने वालों की टीम पहुँच गई है, और ये बैठे हैं हमारे खेत के नीचे, खेत वाले ये भी लगे हैं अपना, और लाइट आ गई है लेकिन पानी नहीं है हमारे यहाँ, उन है यार उधर। तो देखिए पानी हानी कुछ नहीं है, लाइट चली गई है, मोटर बंद हो गई है। अब देखते हैं, हम जाते हैं घर को, अब पता नहीं कब तक खुलिएगा यहाँ, ये कितने दिन लगते हैं जाने। कल तक ही है नंबर, 2 दिन का नंबर आता है इधर साइड, 2 दिन में हमारा नंबर ही ख़त्म हो जाता है फिर। तो इतना इतना ही हो रखा है हमारा खेत, ही थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर साइड और नीचे साइड को सब सूखा ही है, देखते हैं कब तक होता है। तो दिखाते हैं आपको किस तरह से हमारे यहाँ पानी जा रहा है पाइपलाइन से। तो अभी तो बंद हो रखा है फिलहाल। तो देखिए यहाँ पर से हमारे वहाँ पानी जा रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से नहर में आ रहा है। हमारा कुल जाल देख सकते हैं आप, इस तरह से आ रहा है पानी। अब यहाँ अमरूद का बंटवारा हो रहा है, ये देखो लाल अमरूद। अगवाल तो ये देखिए, ये है पानी जो हमारे खेतों में जा रहा है पाइप लाइन सा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और चाची वहीं है, और देखते हैं पानी, वैसे तो आ गया था तो शायद हो जाएगा, तो किसी से कह रखा है, तो अगर वो कर देंगे तो, बाकी नहीं तो फिर कल जाऊंगी, और आज तो मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि रात को तो मैं जा नहीं सकती हूँ अकेले, और ठंडा भी बहुत हो रहा है, और घर में भी कोई नहीं है, तो मम्मी नहीं है यहाँ, तो इसलिए मुझे देखने जाना पड़ा सवेरे भी। तो अभी देखते हैं शाम तक क्या होता है, चाची बताएगी कि अगर कुलियादिया हो गया तो ठीक ही है, नहीं तो फिर कल नंबर आएगा तो कल को लगाएंगे पानी। तो चलती है, अब करती हूँ मैं फटाफट से अपना काम, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम भी करना है। तो आपको मिलूँगी अभी थोड़ी देर में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैंने रात को वीडियो नहीं बनाया, और मैं आपको मिल रही हूँ अब सीधे अगले दिन की सुबह। तो अभी सुबह के बज गए हैं 10:30, और मेरा खाना पीना हो गया है, बाकी मैंने गाय बच्चों का काम कर लिया। अब मैं जा रही हूँ फिर से खेत में, तो देख के आती हूँ कि मेरा वहाँ खेत में पानी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो आ गई थी, और बाकी पता नहीं किसी ने लगाया नहीं लगाया, जाने चाची ने अपने उसमें तो लगाया था, लेकिन हमारी साइड को गया नहीं गया पता नहीं। तो देख के आती हूँ, और
चलती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, अगर पानी हुआ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो, अगर किसी ने नहीं लगाया होगा तो फिर लगाना पड़ेगा, फिर नहीं लगाया होगा तो फिर मैं तो आ जाऊँगी, क्योंकि लोग लड़ाई करते हैं, इससे बढ़िया सीधे आ जाओ। तो देख के आती हूँ और चलते हैं फिर से खेत की ओर। मैं पहुँच चुकी हूँ फिर से खेत में, और यहाँ ऊपर को तो पानी हो रहा है लेकिन नीचे नीचे साइड को पानी नहीं हो रहा है, इधर साइड को, और वहाँ से उधर से भी हो गया है, और अभी पानी बंद हो चुका है, तो देखते हैं कब तक आता है पानी। थोड़ी देर रुकती हूँ। देख सकते हैं आप खेत, और नीचे वालों का भी भर गया है, हमारे खेत में नहीं हो रहा है यहाँ को, बाकी ऊपर ऊपर तो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ को है ऊंचा तो पानी सराहना पड़ता है यहाँ रह के। तो फिलहाल रुकती हूँ थोड़ी देर, फिर दिखाती हूँ आपको। और तो मैं आ गई थी खेत से घर, और उसके बाद फिर मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ पर पानी आया नहीं था, तो फिर मैं आ गई, और उसके बाद थोड़ा काम हाम था घर में, तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। और बंदरों का ऐसा आतंक हो रखा है यहाँ पर, तो आपको दिखाती हूँ। अरे लाहौल डिबे जा, अलग अलग दालू करी न। तो ये जो गलदमी वाला बंदर है, ये पूरे टीनों में बिल्कुल कूदता है, देखना। हाँ अभी देखना इसको कैसे कूद मारेगा। ये देखो इसको निरीक्षण कर रहा है, ये देखिए इसको देखो, ये इकलू बंदा नहीं है, ये दलों का राजा है। तो ये सबसे पहले आता है आगे से, और आज यहाँ अलग अलग दलों के बंदर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए बिना बात के कर रहा है, ये इस तरह से ये कूदता है टीनों में, छत में, और ये पूरे पाइप तोड़ दे रहा है, हमारे जो एयर पाइप लगे हैं ये टैंकी के, इनको भी तोड़ दे रहा है ऐसे ही कूद कूद के हिला के, और पोल हिला देता है ये पकड़ के। तो देख सकते हैं आप कितना मोटा बंदर है ये काम है इसका। ये देखो तो मैं वीडियो बना रही, तो ये मेरे को काटने के लिए आ रहा है यहाँ से। अब भागे, अब गया ये ऊपर को, अब ये वहां लड़ाई करेगा दूसरे दल के साथ। देखो अब मैं इसको यहाँ से भगाती हूँ, नहीं तो ये छाती में आ जाएगा, ये यहाँ आ गया काटने के लिए। और एक बंदर देखिए यहाँ पर पोल में बैठा हुआ है, बिल्कुल पोल के टॉप में, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक पोल है उसके ऊपर बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो सौर ऊर्जा लाइटें हैं ये इनके ऊपर भी चढ़ जाते हैं लोग बंदर बैठने के लिए, और यहाँ पर बैठा हुआ है अभी। तो हमारे वहाँ बंदरों का ये आतंक तो हमेशा चलते रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलूंगी और अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।